आज रालोपा के प्रमुख हनुमान बेनीवाल बाड़मेर प्रवास पर हैं। इस दौरान बाड़मेर पहुंचते ही पार्टी मुखिया का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बेनीवाल काफ़ी दिनों के बाद बाड़मेर पहुंचे हैं। बाड़मेर मुख्यालय पर हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ रालोपा महासचिव मनीष चौधरी, रालोपा नेता उमेदाराम बेनीवाल भी मौजूद थे। हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर मुख्यालय पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता में बात करते हुए कहा कि इस महीने रालोपा की प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जाएगी। हर साल स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं हर जिले में RLP की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। सभी पदाधिकारियों को अलग अलग काम बांट दिया जाएगा। फिलहाल रालोपा पंचायत चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। गाँव में रालोपा की पकड़ काफ़ी मजबूत है। बेनीवाल ने कहा कि अब धीरे धीरे रालोपा पार्टी पूरे प्रदेश में अपना विस्तार करेगी। इसके लिए इस महीने में कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। 2023 के चुनाव में रालोपा एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। रालोपा राजस्थान का भविष्य है।